ये दोस्तों यही पंडाल खूबसूरत पंडाल बना गया है, बच्चे लोग पूरा मिल के बनाते हैं। यहाँ पर उसके सामने गोदाम है, पावर मोटर का उसी के अंदर है। दुर्गा मैया की तुम लोग भरे रहो, भाग क्यों जा रहे हो? देखिए सबको इसका मदद किया है, लेकिन यही आर्टिस्ट शुरू से कर रहा है। कितना साल से बना रहे हो पंडाल? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा पिछले साल कौन सा था? ढाका इस्कॉन टेम्पल। हाँ हेलो दोस्तों, मैं मुझे स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों अभी पटना सिटी आए हुए हैं, हाजीगंज था हमारे, हाजीगंज के साथ यहीं पर बहुत खूबसूरत पंडाल बच्चों ने मिलकर बनाया है वेटिकन सिटी, तो उसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों यही पंडाल खूबसूरत पंडाल बना गया है, ये बच्चे लोग पूरा मिल के बनाते हैं। यहाँ पर सामने गोदाम है, पावर मोटर का उसी के अंदर है। कुछ क्लिप वगैरह आपको थोड़ा दिखाते चलेंगे कैसे कैसे बनाते हैं। थर्माकोल से काट के देख लीजिए क्या खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। कुछ दिन पहले आए थे तो आपको लगेगा ना यहाँ पर इतना खूबसूरत पंडाल आप लोग देखने वाले हैं। वेटिकन सिटी का बनाया गया अंदर, और मूर्ति भी यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। भीड़ तो भाई दशहरा के दिन आइएगा तो चलने का जगह नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाता है। बाकी तो आपको बाहर से खूबसूरती दिखा देना। पूरा लाइट अभी ऑन नहीं किया गया, अंधेरा होगा तो आपको पूरा लाइट में पता चलेगा। अभी तो थोड़ा मॉर्निंग का टाइम, इसलिए उतना नहीं पता चल रहा होगा। बाकी डिज़ाइन देख लीजिए, पूरा का पूरा थर्माकोल से काट ही बनाया गया है। क्या खूबसूरत डिज़ाइन, देखने से लग ही नहीं रहा है कि इसको बच्चे लोगों ने बनाया अपने हाथों से। देखिए क्या खूबसूरत पंडाल है, बारीकी से पूरा डिज़ाइन दिया गया है। कुछ क्लिप वही दिखाई दे, बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिए, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं। साइड में देखिएगा मंदिर है, वह पूजा हो रहा है, वही आपको शायद आवाज़ आ रहा होगा। बाकी पंडाल आपको अंदर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा दूर से और दिखा देते हैं। देखिए इसके ऊपर भी है, ऊपर पता नहीं आप लोग पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर ड्रोन नहीं हो पाएगा क्योंकि थोड़ा पेड़ है। बाकी ऊपर ही पूरा देखिए डिज़ाइन दिया है, लेकिन नहीं पेड़ है तो ऊपर छोड़ देते हैं, इतना ही रहने देंगे। पूरा ऊपर एकदम चढ़ के पूरा इसको कंप्लीट किया गया है। देखिए दोस्तों ऊपर का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वेटिकन सिटी पूरा का पूरा एकदम लगा, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। आप लोग आइए भाई, फोटो वीडियो बिना लिए बिना रुक नहीं पाइएगा भाई, इतना खूबसूरत बनाया गया। जब आए थे, जब इसका पहले क्लिप नहीं लेने तो आपको दिखाते कैसा था, अभी देखिए कैसा हो चुका है। श्री राधा कृष्ण मंडी लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों अंदर लेके चलते हैं मंदिर के, आपको पंडाल का भगवान के भी थोड़ा दर्शन कराते हैं। यहाँ का मूर्ति जो भी आपको चल के दिखाते हैं कि इसका एंट्री गेट यहाँ पर होने वाला है। अंदर लाइट वगैरह सब कुछ ऑन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत है, वाह, जगमग एकदम येलो कलर का लाइटिंग दिया गया है। हल्का फुल्का समझिए बस काम बाकी, ऐसे तो 80% 90% कम्प्लीट ही है, 10% का कुछ बाकी होगा, बाकी पूरा कम्प्लीट ही है। बहुत खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन, देख लिए अंदर का भी बारीकी जरूर दिखाते। देखिए एक को थर्माकोल को काट कर पूरा बनाया गया है, देख रहे हैं थर्माकोल को काट काट के बनाया गया, फिर चिपकाया गया है। सोचा गया इसको कैसे कैसे किया जाएगा, ये देख लीजिए वेटिकन सिटी बिल्कुल ऐसा ही इसको बना कर कम्प्लीट किया गया। देख लीजिए बहुत खूबसूरत बनाया गया, अभी मिलवाएंगे बच्चों सबसे भी। फिलहाल तो आपको पंडाल सिर्फ दिखा दे रहे हैं, ऊपर का भी देखिए डिज़ाइन दिया गया गोल गोल सा, इतना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी छोड़ सकते थे, मतलब नॉर्मल ऐसे ही पर्दा रहने देते, लेकिन उसमें भी देखिए डिज़ाइन लगा दिए। देख रहे कितना खूबसूरत है, एकदम बारीकी से सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आप लोग मूर्ति देखिएगा, पट तो अभी नहीं खुलवा सकते हैं, दुर्गा पूजा के दिन ही अब खुलेगा, सप्तमी के बाद ही खुलता है। बहुत खूबसूरत है, हल्का फुल्का बस यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं। एक कलर से ही पूरा मूर्ति को बनाया गया है, मूर्ति बनाने वाले बिहारी के, बाहर से कोई नहीं आया है। कोशिश करेंगे जिस दिन खुल जाएगा उस दिन आने की कोशिश करेंगे, बट फिलहाल तो आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पूरा मूर्ति बनकर रेडी है, बट अभी नहीं खुला है। वेटिकन सिटी का डिज़ाइन देखिए, हल्का फुल्का कलर वगैरह हो रहा है, बाकी सब कुछ रेडी हो चुका है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है भाई, अंदर बाहर से एंट्री अंदर करिएगा आपको दिखने वाली है, इसलिए बाहर ही डिज़ाइन दिया गया है, अंदर नॉर्मल है। अंदर ही पूरा देखिए एकदम भर दिया गया डिज़ाइन से, देख लीजिए कैमरा घुमा घुमा को पूरा आपको दिखा रहे हैं। 360 आपको डिज़ाइन देखने को मिलने वाला है। दुर्गा मैया की देखिए दोस्तों थोड़ा डिज़ाइन आप लोग बारीकी से दिखाते हैं, कट करके कैसे कैसे पूरा थर्माकोल से किया गया है। देख लीजिए सब थर्माकोल का इस्तेमाल है, फिर इसको येलो कलर से पेंट किया गया है। लाइट यहाँ पर जलता रहेगा हमेशा, और कुछ कुछ लाइट हल्का बाकी है, ऐसे तो पूरा कम्प्लीट ही है। अच्छा अंदर भी नहीं देखा है, पंडाल के अंदर भी देखिए, देखिए यहाँ भी डिज़ाइन दिया गया, फ्लावर तो कटिंग टाइप का, हर जगह पर से डिज़ाइन दिखने वाला है। यानी बाहर सिर्फ आप लोग देख लिए, वो नहीं रहेगा, अंदर आएगा तो अंदर से भी एक से बढ़कर डिज़ाइन देखिए। पीछे भी देखिए मूर्ति के पीछे, उसको भी कलरफुल किया गया है, आई थिंक थर्माकोल का है। आज दोस्तों इस साल नहीं, हर साल यहाँ पर कुछ यूनिक और कुछ अलग तरह कॉन्सेप्ट में पंडाल बनता है। इस साल हम लोग वेटिकन सिटी देखने को मिल रहा है, आइए आप उन बच्चों से बात कराते हैं जो मिलकर इस पंडाल को बनाया। ढाका के इस्कॉन टेम्पल जिसको उठाया गया था, उसी के तर्ज पे 2024 को वेटिकन सिटी जो बनाया जा रहा है म्यूजियम, वहाँ दुर्गा का भव्य पंडाल, इसीलिए ये 2 महीने का काम बहुत लॉन्ग लॉन्ग भी आ जाओ पीछे। तुम लोग भरे रहो, भाग क्यों जा रहे हो? देखिए सबको इसका मदद किया है, लेकिन यही आर्टिस्ट शुरू से कर रहा है। कितना साल से बना रहे हो पंडाल? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा पिछले साल कौन सा था?
ढाका का इस्कॉन टेम्पल। ढाका का इस्कॉन टेम्पल, हाँ बोले कौन कौन मिलकर तुम्हारे साथ बना रहा है? मैं टोटल 10 टीम है इसमें, मेरे मेन बड़े भैया जो कि वो सारे सपोर्ट करते हैं वो कार्य को बढ़ाने के लिए, और हम लोग क्या सपोर्ट करके बनाते हैं। अच्छा, आगे क्या प्लान है फ्यूचर में? मतलब आर्ट्स में जाना है क्या? हाँ। अच्छा, तुम लोग ये सब सबको यही सब करता है हेल्प? हाँ, यही। और दूसरा भी टीम है? हाँ, भैया लोग भी हैं, बड़े लोग। अच्छा, सबको मदद करता है ना। हाँ। दोस्तों डिजाइन यही सबका पूरा बच्चों सबको बना काट काट के बनाया गया। अच्छा, साटता कौन है? ये तो तुम लोग नहीं कर पाते होगे? नहीं, हम ही लोग ही करते हैं। ये तुम ही लोग करते हो? हाँ। वाह, देखिए साटने वाला काम यही सब करता है। मूर्ति वाला? मूर्ति का तो कोई और होगा ना? मूर्ति वाला तो मूर्ति वाले। बैकग्राउंड वो तुम लोग का, कोई और? बैकग्राउंड तुम लोग का। देखिए बैकग्राउंड यही सब किया हुआ है हमारे कॉलेज का, जितना डिजाइन सिर्फ यही सबका। मूर्तिकार है जो आर्टिस्ट, कोई और है, बाकी सब कुछ यही सबका बनाया गया है। कुछ क्लिप वगैरह दोस्तों आप लोगों को दिखा दे रहे हैं जहाँ पर बनाते हैं कैसे, वो आपको थोड़ा दिखा दे रहे हैं। मामा जी भी हैं। तो मामा जी क्या क्या नाम है आपका? सपोर्ट है क्या बच्चा सबको? सबका सपोर्ट। ये सब कब से पंडाल बना रहे थे बताइए? 3 महीना से लग रहा है काम। 3 महीने से लगा हुआ है, आप पूरा सबको सपोर्ट कर रहे हैं? सबको। अच्छा, कितना साल से बन रहे हैं पर पंडाल? हाँ तो 5-6 साल से ये वाला बन रहा है। अच्छा, हर साल बनाता है कुछ नया ना? नया आइटम। ओ, तो आप क्या बोलना चाहिएगा पटना वालों के लिए? आएगा पटना वालों को बुलाइए, है ना? हाँ जी, बोलिए सबको देखने के लिए आने के लिए। देखने के लिए आएगा ना, कैसे आएगा? अच्छा, खाली पटने वाला, बाहर नहीं? नहीं जी, बाहर के भी आएगा। हाँ, ये सही बात बोले। ठीक, ताली बजाओ। पूरा विदेश के आवे देखने के लिए। वाह वाह वाह। तो अभी अंकित का दोस्तों रिव्यू लिया, यही पंडाल में बनाता है सब, मतलब टीम बनाता है, ऐसा नहीं झूठ बोल दिया अकेले बनाते भाई, सबको टीम के बनाता है, लेकिन मेन इसी का रहता है, हमेशा पूरा डिजाइन करके लाता है। आप लोगों को पूरा अंदर का बाहर का सब दिखा दिया है। अब दोस्तों फाइनली यहाँ से निकलेंगे, आप लोगों को बोलेंगे दुर्गा पूजा में आइए, बाहर चल कर रोड पे आपको डेस्टिनेशन दिखाते हैं कैसे कैसे अंदर आने का है। देख सकते हैं दोस्तों वेटिकन सिटी यहीं पर बन रहा है, श्री राधे मंदिर हाजीगंज गबड़ा पर यह है जगह। सीधे आप लोग आते जाइएगा, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के सीधे बढ़ते जाइएगा तो यहाँ से आगे निकलना है, बस यहीं पर रुक जाना है। बड़ा सा देखिएगा बोर्ड लगा हुआ है, इसी गली के अंदर हम लोग को जाना है। चलिए अंदर लेके चलते हैं। चलिए दोस्तों फाइनली यहाँ से निकले, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते फिर अपने ब्लॉग में ऐसे ही पटना के और पंडाल को शो करते रहेंगे। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय, टेक केयर।